गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द करंट फ्लोइंग रहेगा या फॉलोइंग लिखा हुआ, फ्लोइंग रहेगा। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें कहा जा रहा है कि हमको 10 ओम में फ्लो करने वाले करंट के बारे में फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जो कि नीचे दिए सर्किट में यूज सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में देखेंगे दो रेजिस्टेंस है 20 ओम का, 10 ओम का, और दो सोर्स हैं 60 वोल्ट का एक 30 एम्पीयर का। तो दो सोर्स हैं जिसमें जो हमने बताया था एक एक्टिव करते हैं दूसरे को रिएक्टिव करते हैं। तो यहाँ पहला सोर्स है वोल्टेज सोर्स को मान लें जिसकी वजह 60 वोल्ट, और दूसरा सोर्स मान लें 20 एम्पीयर जिसकी वजह करंट सोर्स को जिसकी वजह 30 एम्पीयर। तो हम लोग क्या करते हैं 60 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करते हैं 30 को, और जो अनदर है जो 30 एम्पीयर का करंट सोर्स को रिएक्टिव करते हैं। तो हमने डीएक्टिवेशन सोर्सेज का डीएक्टिवेशन प्रोसेस बताया था कि अगर वोल्टेज सोर्स दिखेगा तो उसको डीएक्टिव करने में क्या करेंगे हम शॉर्ट, और करंट सोर्स दिखेगा तो उसको कैसे डीएक्टिव करेंगे ओपन करके क्लोज। तो आपने वोल्टेज सोर्स को एक्टिव किया था, करंट सोर्स को क्या करते हैं ओपन कर देंगे। जब करंट सोर्स ओपन हो जाए वोल्टेज सोर्स एक्टिव हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप है जिस वोल्टेज सोर्स को आपने एक्टिव कर रखा है उस साइड सारे चलाने की वैल्यू कितनी है, जिस वोल्टेज सोर्स को हमने एक्टिव कर रखा है उस साइड से हम करंट का कैलकुलेशन करेंगे। आर क्यू एन का जो कैलकुलेशन करेंगे आर क्यू एन कितने के बराबर होना चाहिए, आने चाहिए वो कितना होगा उसको देखेंगे समझेंगे। तारीख के रंग हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 और 10 दोनों सीरीज में जाएगा, तो 20 + 10 लिखा जाएगा, 20 + 10 के बीच 30 के बराबर है वो हर के रंग। इसी तरीके से स्टेप थ्री क्या बताया गया था कि एक्टिव वोल्टेज सोर्स से सप्लाई करने की वैल्यू कितनी है, एक्टिव वोल्टेज सोर्स से सप्लाई करने की वैल्यू कितनी है उसको कैलकुलेट करना। तो एक्टिव वोल्टेज सोर्स कितनी वैल्यू का है 60 वोल्ट का, वहाँ से सप्लाई करने की वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने के लिए पहले आई क्यू एन का आई क्यू एन का वैल्यू 20 है। तो आई की वैल्यू के लिए निकालने के लिए आपके पास 60 है 30 है, आई एन की वैल्यू हो जाएगी सप्लाई करंट की वैल्यू आ जाएगी उस वहाँ से कितना 2 एम्पीयर। नेक्स्ट स्टेप ये बताया था कि उस पर्टिकुलर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करें उसको कैलकुलेट करना है। तो 60 वोल्ट से पर्टिकुलर रजिस्टर में जब 10 ओम में फ्लो करने वाला करंट को कैसे करेंगे I-10 ओम। तो जब I-10 ओम को देखेंगे तो सप्लाई करंट को बस इतना चेक करेंगे, जो सप्लाई करंट टाइम है हमें 10 ओम तक कैसे जाएगा, डायरेक्ट जा रहा है डिवाइड होकर के जाएगा, हमें डिवाइड होकर के जाएगा तभी डिवाइडर बिल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज डिवाइडर बिल अप्लाई नहीं होगा। तो I-10 ओम इक्वल टू I-1 हो जाएगा, जहाँ पर उस करंट की वैल्यू I-1 की वैल्यू 2 एम्पीयर के बराबर हो जाएगी। ठीक, I-10 ओम की वैल्यू 2 एम्पीयर के बराबर। तो आपने 60 वोल्ट से 10 ओम में कितना करंट जा रही है आपने निकाल ली, तो 60 वोल्ट से कितना जा रहा 2 एम्पीयर। अब आपने क्या करना है 30 एम्पीयर के करंट सोर्स से 10 ओम के रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है वो निकालना है।
तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो 60 वोल्ट से 10 ओम पेडेस्टल करंट जा रहा है वो किधर से जा रहा है, अप टू डाउन जा रहा है 2 एम्पीयर पे। अब बाकी अगर 30 एम्पीयर से, तो 30 एम्पीयर के करंट सोर्स पर एक्टिव करेंगे तो जो वोल्टेज सोर्स है 60 वोल्ट का, वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टू शॉर्ट, मतलब उनके प्लेटों को मिला देना, उनके प्लेटों को मिलाने के बाद एक सिंगल लाइन ड्रॉप हो गई। तो अब सर्किट के अंदर क्या देख रहे हैं, 30 एम्पीयर का करंट सोर्स और फिर रेजिस्टेंस 20 एम्पीयर और 10 एम्पीयर। तो अब हमने आपको बताया था कि जब वोल्टेज करंट सोर्स को एक्टिव कर सकते हैं, करंट सोर्स को एक्टिव कर सकते हैं, उसको से क्या निकालते हैं, जब करंट सोर्स को हम एक्टिव कर सकते हैं तो उस केस में हम लोग करंट सोर्स को एक्टिव कर रखते हैं, जब करंट सोर्स को एक्टिव कर रखते हैं तो आर इक्विवेलेंट और सप्लाई से कितना खर्च होगा इसको निकल, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई करंट के फॉर्म में होता है, इसलिए स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं लेते हैं। तो सीधे कौन सा स्टेप होता है, फाइंड करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच हमारा कौन सा है, 10 ओम। तो इस टाइम 30 एम्पीयर से 10 ओम में जाने वाले करंट को हम क्या लिखेंगे, 30 एम्पीयर से 10 ओम में जाने वाले करंट को क्या लिखेंगे, I डबल डैश 10 ओम। तो आई डबल डैश 10 ओम की वैल्यू कैसे निकलेंगे, डिवाइडर रूल से, क्योंकि गाँव बिना डिवाइडर रूल को ये कारण को चेक करना पड़ेगा कि 30 एम्पीयर का जो करंट सोर्स की वैल्यू है वो 10 तक कैसे पहुँचेगी, डायरेक्ट जाएगी डिवाइडर पर। तो आपको देखना है कि 30 एम्पीयर का जो करंट सोर्स का डिवाइडर नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ेगा तो एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पर आकर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 20 ओम में चला जाएगा, 10 ओम में। तो हमको 10 ओम में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू जाननी है 20 ओम, तो 10 ओम में फ्लो करने वाले करंट कैसे पहुँचेगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइडर भी लगाएंगे, तो 10 ओम के लिए जो अपोजिट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 20 होगा। तो करंट डिवाइडर रूल आपको बताया जा चुका है, फिर बराबर रिपीट कर देंगे, करंट डिवाइडर रूल क्या है, टोटल करंट पर्टिकुलर अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल मतलब जिन दो में डिवाइडेड है उन दोनों का सम, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे तो करेंट मतलब बाय 30 करंट सोर्स लिखेंगे, आई डबल डैश 10 ओम इज इक्वल टू 30, टोटल करंट की 30 मल्टीप्लाई अपोजिट मतलब अपोजिट रेजिस्टेंस का मतलब 20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मतलब 20 प्लस 10, क्योंकि आई डबल डैश 10 ओम इज इक्वल टू 30 × 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10, टू 20 प्लस 10 30 हुआ, 30 कैंसिल हो गया यानी कि 20 बचेगा, ठीक। तो 30 एम्पीयर से फ्लो करने वाला करंट आई डबल डैश 10 ओम जो 10 ओम में फ्लो करा उसका रहेगा क्या, डाउन टू अप, तो डाउन टू अप है, तो यानी कि 60 वोल्ट से फ्लो करने वाला करंट जो आई डैश 10 ओम है और 30 एम्पीयर से फ्लो करने वाला करंट जो आई डबल डैश 10 ओम है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट होने के कारण ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट होंगे फॉर टोटल करंट, लेकिन टोटल करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू आई डैश 10 ओम 2 माइनस 20 यानी कि -18। हमने बताया था कि रिजल्टेंट करंट होगा जिनको आई 10 ओम लिख रहे हैं उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, जो पहले लिखे हैं तो पहले कौन से लिखा, आई डैश 10 ओम, तो आई डैश 10 ओम का डायरेक्शन क्या है, अप टू डाउन है, लेकिन रिजल्टेंट करंट का डायरेक्शन है अप टू डाउन लिखा है। पहला न्यूमेरिकल था, तब तक अपने कुछ समय था उसको समय पूरा पूरा न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं जहाँ पर नंबर क्या है कैलकुलेट करंट इन 51 रजिस्टर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हमको क्या करना है 51 रजिस्टर में करंट निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं। तो 51 का रजिस्टर करंट पीछे में तो सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है 100 ओम का 15 का और 15 का टोटल कितने सोर्स हैं 5 वोल्ट का 10 वोल्ट का है 0.5 एम्पीयर का। तो यहाँ पे प्रोसेस वही है एक बार में एक सोर्स को एक्टिव करना है फिर उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है अगली बार में अगले सोर्स को एक्टिव करना है फिर अगली फिर उसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है फिर तीसरे में तीसरे सोर्स को एक्टिव करना है फिर उसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है और ऐसा करते हुए जो तीन सोर्स से अलग अलग करंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में कैलकुलेट हो जाते हैं उनका योग एक्सल में वही क्या हो जाएगा सर्किट सोर्स उस पर्टिकुलर ब्रांच का टोटल करंट। तो देखा क्या है आपको क्या लिखा है मैं एक्टिव 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है एक्टिव हमारे हर सोर्स से 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिव कर रहे हैं बाकी सोर्सेज को भी एक्टिव कर दे रहे हैं। तो बाकी सोर्सेज में बचे के करंट सोर्स जो भी ओपन कर दिया गया है उसका टर्मिनल वोल्टेज सोर्स जिसके टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया है। तो सेकेंड स्टेप क्या है स्टेप टू है कि हमें जहाँ पे वोल्टेज सोर्स को एक्टिव किया है वहाँ आर क्यू एल निकालते हैं आर क्यू एल कैलकुलेट करेंगे फिर से देखेंगे तो करंट चलेगा और जा करके 100 से पास होते हुए जा करके 50 और 50 जाएगा तो 50 और 50 का जाएगा वैल्यू को जाएगा और उनसे जो वैल्यू है 100 के साथ चले जाएगा तो सारे करने का आर क्यू एल कितना मिलेगा 37.5। इसी तरीके से अब 5 वोल्ट से कितने अधिक करंट उसको कैलकुलेट करेंगे तो किससे मिलेगा हम चाहिए 5 एम्पीयर कि सर 5 वोल्ट की वोल्टेज को कितने एम्पीयर का करंट फ्लो सप्लाई में उसको कैलकुलेट करना है तो I² = I² / I = V/R। तो I क्या है यहाँ पे I1 है अभी कितना है 5 है और R की वैल्यू 137.5 कैलकुलेट कर लिया तो वैल्यू कैलकुलेटर करके आगे कितना 0.3 क्लियर है कितना है 0.3 नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट 5 वोल्ट से कितना करंट इस पर्टिकुलर ब्रांच में जा रहा है पर्टिकुलर रजिस्टर में उसको कैलकुलेट करना है 5 वोल्ट से जो सप्लाई को ड्राइविंग कैलकुलेट किया है उसका फ्लो चेक करना उसका फ्लो कैसा है हमें 100 में पास होगा 100 में पास होने के बाद एक पॉइंट पर पहुँचेगा उस पॉइंट पर पहुँचने के बाद करंट का भी डिवाइड होगा एक करंट 2 की तरफ बढ़ेगा एक करंट 150 की तरफ बढ़ेगा। तो यानी कि आपने चेक किया कि 50 में फ्लो करने वाला करंट है वो कैसे जा रहा है डिवाइड होकर के जा रहा है जब डिवाइड होकर के जाएगा तो डिवाइडर फिर लगेगा और उस टाइम फ्लो करने वाले करंट को हम क्या नोट करेंगे I-50 में तो I-50 को निकालेंगे बाय करंट डिवाइडर तो इसके लिए रेजिस्टेंस करेंगे 150 क्योंकि करंट डिवाइडर भी लगाने के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस की पहचान होनी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ टोटल करंट की भी पहचान। तो I-50 निकालने तो इसके लिए टोटल करंट क्या होगा I1 और I1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 150 से क्योंकि वो अपोजिट रेजिस्टेंस या डिवाइड किससे करेंगे 150 + 50 के सम से। इस तरीके से लिखेंगे कितना 0.03661 × 150/50 मतलब 2 वोल्ट। फिर उसको कैलकुलेट कर करके ये वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा I-50 = 0.027 एम्पीयर। तो ये 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से 50 वोल्ट के रजिस्टर में जाने वाला पहला करंट हो गया। अब हमको क्या करना है देखिए सेकंड सोर्स को एक्टिव करना तो सेकंड सोर्स कौन सा मान लिया है 0.5 एम्पीयर के करंट सोर्स मैं क्या लिखा है एक्टिव 0.5 एम्पीयर करंट सोर्स एंड भी एक्टिव करेगा राइट सोर्स से ठीक।
तो आपको बताया जाता है बार बार ये पीछे बताया जाता है, जब नोट करें सोच कर ठीक करें अभी, तो जो स्टेप टू था इक्वेशन निकालने वाला और जो स्टेप थ्री है सोर्स को कैलकुलेट करने वाला, ठीक वोल्टेज सोर्स से करंट कैलकुलेट करने वाली, ये दोनों नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर सप्लाई है जो करंट को फोन में दी जाती है जब करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं। तो उसी स्टेप फोर की जम करते हैं, तो स्टेप फोर क्या कहता है, स्टेप फोर कहता है कि फाइन करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच बाई दैट सोर्स, यानी कि 0.15 रजिस्टर में कितना करने जा रहा है ये निकालना है। एक सेकेंड सोर्स है तो सेकेंड सोर्स से 50 ओम का रजिस्टर करंट को नोट करेंगे I double dash 50 ओम जो है तो कैसे आएगा उसको चेक करने के लिए देखेंगे कि डायरेक्ट है 0.15 करंट सोर्स का जो एयर हंटर ऊपर की तरफ है, तो जैसे ही पॉइंट बढ़ जाएगा तो कम मिलेगा और पॉइंट आने के बाद उसके सामने तीन पाथ आएंगे मतलब 100, 50 और 120, मतलब एक साथ तीन यहाँ पर होंगे। तो जब एक साथ तीन यहाँ पर होगा तो उस टाइम यानी कि आपको ये समझ में आएगा कि 50 में फ्लो करने वाला करंट जो है वो डिवाइड होकर के जा रहा है, ठीक है, कैसे जा रहा है डिवाइड होकर के जा रहा है, तो जब डिवाइड होकर के जा रहा है तो डिवाइडर यूज करेंगे, ठीक। हम बात करेंगे तो हमने आपको बताया तो डिवाइडर रूल अप्लाई करने से पहले आपको सबसे रजिस्टर तैयार करना है, तो दो रजिस्टर में तो यहाँ पर तो करीब तीन रजिस्टर में ग्रुप हो रहा है, तो तीन रजिस्टर में ग्रुप हो रहा है, तो जिस रजिस्टर में आपको करंट का कैलकुलेशन करना है उस रजिस्टर को छोड़ कर करके बाकी दो रजिस्टर को एक बनाना है। तो बाकी दो रजिस्टर कौन कौन से हो गया, 100 और एक 150। तो आप देखेंगे क्या कि 100 और 150 को डॉटेड लाइन का सर्कल बनाना है, मतलब 100 और 150 को हम एक बनाएंगे, तो जब एक बनाएंगे तो सर्कल को करके बगल में लाइन लिखा गया है कि दोनों में रिलेशन कैसा है, तो एक बनता कैसे है कि रिलेशन से या तो सीरीज में होते हैं या तो कैसे होते हैं, तो दोनों को कैसे क्लिक होगा डिवाइड होता है, यानी कि ये दोनों रजिस्टर आपस में पैरेलल है, यानी कि 100 पैरेलल 150, 100 पैरेलल 150 को साइड में सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 60 ओम, तो 60 ओम हो गया, यानी कि अब करंट जो डिवाइड हो रहा है वो 100 और 150 के कम्बिनेशन में जिसकी वैल्यू 60 ओम है और 50 ओम है। तो हमें जब 0.1 एम्पीयर का करंट 50 और 60 में डिवाइड होगा तो हमें जब 50 ओम करंट निकालेंगे तो इस टाइम जो करंट मिलेगा वो सेकेंड सोर्स में जो हमारा करंट होगा 50 ओम है, तो इसको हम करेंगे I double dash 50 ओम, तो कितने के बराबर मिलेगा 0.1 × 60 / 50 + 60 0.1 × 60 / 50 + 60 मतलब 110, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 0.1 × 60 / 110, तो इसको कैलकुलेट करके वैल्यू कितनी हो गया I double dash 50 = 0.05 A, ठीक 0.1 A से कितना पड़ेगा ये आपने निकाली। अब तीसरे सोर्स को हम एक्टिव कर लेते, तीसरा सोर्स क्या लिखा हुआ है, वन एक्टिव टर्मिनल वोल्टेज सोर्स एंड डीएक्टिव आर सोर्सेज। तो हमारा एनवल हमें क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 0.1 A का करंट सोर्स, तो 0.1 A करंट सोर्स को हम क्या करते हैं, 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे एक्टिव कर देंगे। तो हम जब वोल्टेज सोर्स को एक्टिव कर देते हैं ज़्यादा से कम स्टेप कर देते हैं कि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट से कितना करंट कैलकुलेट करना है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट से कितना करंट फ्लो करता है इसको कैलकुलेट करने के लिए सब करंट करेंगे कितना करंट अगर प्रोजेक्ट कैलकुलेट करना है, तो क्या देखिएगा करंट हमने 50 ओम से पास होगा, पास होते ही क्या होगा 50 ओम कंट्रोल ब्रेक होगा, तो 50 ओम अगर करोगे आपस में पहले उनसे जो वैल्यू आएगा 50 के साथ करोगे सीरीज में, तो इस तरीके से जब उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 183/33। अब आपको क्या करना है कि जो टर्मिनल का वोल्टेज सोर्स है उससे सप्लाई के जो वैल्यू कितनी फ्लो कर रही है जो हम सर्किट को इसको रखेंगे,
तो 2 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स सप्लाई करंट की जो वैल्यू होगी किस समय सर्किट कहते हैं आई की वैल्यू आई की वैल्यू यहाँ पे क्या नोट कर रखा है I2, ठीक। और I2 का जो एरो हट रहा है देखिए नीचे साइड में दिखाया गया, क्यों नीचे साइड में दिखाया गया क्योंकि टेबल की बैटरी पॉजिटिव प्लेट में नीचे की तरफ ऊपर की तरफ रहता है तो एरो हट ऊपर होता है, नीचे है तो एरो हट नीचे रहेगा, ठीक। तो जब हम I=V/R से पुट करेंगे तो I क्या हो जाएगा I2 ये कितना हो जाएगा 10 और R कितना हो जाएगा 23.33। तो पुट करते हैं ये वैल्यू कितने के बराबर आ गया 0.054। फिर आपको 15 में करेंट करना था I2 को आपको चेक करना है कि 15 में कैसे जाएगा डायरेक्ट डिवाइड होकर, तो देखेंगे I2 का जो एरो है आगे बढ़ेगा तो एक पॉइंट मिलेगा तो वो हो जाएगा 15 में और एक 100 में, तो इस टाइम जो 15 में करेंट जाएगा उस पॉइंट नोट करेंगे I=15, ठीक। तो 15 का जो पोजिट रजिस्टेंस होगा कौन सा होगा 100, क्योंकि करेंट डिवाइडेड बाई 15 100, तो 15 का पोजिट 100 का पोजिट होगा, ठीक। तो डिवाइड होकर के जा रहा है तो जिसको हम नोट करेंगे I=15। अब ये वैल्यू कैसे मिलेगा डिवाइडर से मिलेगा, तो डिवाइडर में क्या टोटल करेंट मल्टीप्लाई पॉजिटिव रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ और तो सम फल मतलब जिन दो में डिवाइड हुआ, तो टोटल करेंट कितना निकाला आपने I=0.054 इनटू मल्टीप्लाई पॉजिटिव कौन सा 100 डिवाइडेड बाय 100+15 मतलब 150। तो 0.054 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल टू आगे कितना 0.036 एम्पीयर। अब हम टोटल करंट का बात करें तो टोटल करंट में 15 आपको I=15 और I=15 का डायरेक्शन चेक करना है। सारे फिगर सामने आप देख सकते हैं कि I=15 का जो डायरेक्शन है वो अप टू डाउन है, I=15 का डायरेक्शन अप टू डाउन है, लेकिन जो I=15 उसका डायरेक्शन कैसा है डाउन टू अप है, यानी कि I=15 और I=15 वो ऐड होंगे आउट I=15 सबट्रैक्ट होगा, तो ऐड कर करके सबट्रैक्ट करने पर जो फाइनल वैल्यू आ रही है टोटल करंट में 15, इसको हम I=15 लिख रहे हैं, वो कितने के बराबर हो जाएगा 0.045 एम्पीयर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।